नमस्कार वीरू आशीष जी देखिये जो सेबी ने जो डिस्कशन पेपर डायबूटीज के लिए जो दिया है उसका अल्टीमेट एम वो रख रहे हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट रहे और मार्केट स्टेबिलिटी रहे मेनली आप देखोगे इंडियन डायबिस मार्केट में जो डेली कैश टर्न होता है वो लगभग एक लाख करोड़ के आसपास आता है बट डेबीज टर्न लगभग चार लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और कल मैं इन पर्सन से भी चीप से भी मिला था काफी बातें डिस्कशन हुई थी उनका मेन कंसर्न यही है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स और हाउस होल्ड इनकम है वो यहाँ पे लास्ट के, के दो जो ट्रेड होते हैं so, आप निफ्टी के एग्जांपल लें तो लगभग सवा छ लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है पच्चीस की लोड साइज है और पच्चीस से मैं निफ्टी देखूँ तो लगभग सवा लाख रुपए की वैल्यू होती है अब यदि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ से बढ़ा के चार गुना करते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए चार गुना मार्जिन चाहिए बट मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली एम है कि ऑप्शन बायर हट जाए रिटेल पब्लिक हट जाए बिल्कुल राइटर्स को लिए यहाँ पे इफेक्ट रहेगा बट मेरे को नहीं लग रहा है कि बायर को कोई ज्यादा इफेक्ट रहेगा क्योंकि अभी आप 25 क्वांटिटी कर रहे हो उसकी जगह आपको 100 क्वांटिटी करनी पड़ेगी यदि लोट वैल्यू आपका 25 लाख हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर्स के लिए रिड्यूस होगा बट मेरे को नहीं लग रहा है ऑप्शन बायर को को कोई प्रॉब्लम होगी इनफेक्ट ऑप्शन बायर है वो और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में चले जाएंगे व्यू कि छोटे प्रीमियम में कम इन्वेस्टमेंट में काम हो तो अल्टीमेटली जो पूरा hey. सेबी का जो जो कंसल्टेशन पेपर है वो यही है कि रिटेल पार्टिसिपेशन को को कैसे करें। बट मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ऑप्शन बायर को कोई डीमोटिवेशन मिलेगा बिल्कुल राइटर्स को थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा और या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर को अवॉइड करके सिंथेटिक फ्यूचर में चले जाएंगे फ्यूचर और कोल में ट्रेड करने के लिए आगे। आगे। आगे।